हेलो एंड वेलकम द चैनल जैसे कि आपको पता है हम सोशल कास्ट को समझ रहे हैं आज हम एम एन को समझेंगे एम एन ने कास्ट पे क्या कहा था तो चलते एम एन सरिनवासन पे एम एन श्रेनिवास का पर्सपेक्टिव देखेंगे हम आज कास्ट सिस्टम में ठीक है तो एम एन की बुक आपको याद रखनी है पहले religion and society among the kurgus of south india ठीक है ये 1952 में इसने लिखी है दूसरी बुक इसकी है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये भी याद रखना और तीसरी बुक इसकी है डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज़ ये तीन बुक्स आपको याद रखनी है ठीक है ये आ सकता है आपको क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग उस और बुक्स देंगे ये आपको नाम देंगे पहली रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुरगस ऑफ साउथ इंडिया कुरगस ऑफ साउथ इंडिया में इसने फील्ड वर्क किया है

क्या कि आपको किसी कास्ट को स्टडी करना है आप उस गांव में गए वहां आप दो चार साल रहे उनके साथ रहे तो आपने इंपेरिकल ऑब्जर्व किया कि यहां कास्ट कैसे एग्जिस्ट करता है ठीक है तो सेम इज द केस एम एन श्रीनिवासन ने किया ये गए कहां गए ये उस विलेज में गए वहां रहे वहां स्टडी की इथोनोग्राफिक लोगों को उन्हीं के एनवाट में में देखा और उस पर स्टडी की और फिर इन्होंने कास्ट पे लिखा कि कास्ट एक्चुअल में है क्या सो दैट इज वाई हम कहते हैं कास्ट एज एन इम्पेरिकल रियलिटी इसने कही और इसने क्या यूज किया इथोनोग्राफिक स्टडीज की ठीक है समझ में आया इथनोग्राफिक स्टडी वही पे जाना वहां पे लोगों को ऑब्जर्व करना ठीक है ही सैड इसने क्या कहा इसने कहा कास्ट इज रूटेड इन लोकल देखो लोकल वर्ड इसने यूज किया इसने कहा कास्ट जो रूटेड है कास्ट रूटेड है लोकल हायर में जैसे हमने इससे पहले किसको समझा था गुरे को समझा था गुरे ने कहा था हायर आर् सभी कास्ट में इसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं. वहां लोकल है रादर देन ब्रॉडर वर्ना फ्रेमवर्क जो आपने ब्रॉडर एक वर्ना का फ्रेमवर्क बनाया ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये टॉप पे है ये टॉप पे ये सेकंड है इसने कहा नहीं नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करता है फिर क्या एग्जिस्ट करता है इसने कहा ये हर किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करता इसने कहा लोकल में आप हर किसी गांव में जाइए जहां ये गया था जहां इसने स्टडी किसने कहा यहां ब्रह्मन जरूरी नहीं है कि यहां ब्रह्मन टॉप पे होगा यहां कोई और भी कास्ट टॉप पे होता है जहां इसने स्टडी की ठीक है तो इसने कहा रूटेड इन द लोकल हर आरकी वहां अपने अपने एरिया की अपने, अपनी अपनी आर की होती है वहां कोई भी कास्ट टॉप पे हो सकता है ठीक है समझ आया राधा देन ने ब्रॉडर वर्ना फ्रेमवर्क हर किसी जगह वर्ना सिस्टम नहीं है यानी ब्राह्मण टॉप ब्राह्मण ब्रह्मन क्षत्रियोर शूद्र पहले इसने इस, इस पॉइंट को चैलेंज किया देन उसके बाद देखते हैं उसके बाद इसने क्या कहा इसने कहा ही डिड फील्ड वर्क इसने फील्ड वर्क किया फील्ड वर्क हम किसे कहते हैं फील्ड वर्क हम सोशल्ड में कहते जब आप फील्ड में जाते हो काम करते हो आप देखते हो फील्ड में ग्राउंड में सोसाइटी में देखते हो आप कास्ट कैसे एग्जिस्ट करता है कौन टाप पे है और कौन टाप पे नहीं है सोसाइटी में एक्चुअली कौन टाप पे है ठीक है जैसे आप इस दौर में देखोगा अगर आप अपनी सोसाइटी में देखोगे अपने अगर, अपने गांव में देखो या अपने विलेज या अपने एरिया में आप देखोगे कि वहां जो अमीर लोग हैं वो किसी और नाम का होगा दूसरे गांव में जाओगे वहां पे कोई जो सबसे टॉप पे अमीर लोग होंगे वो कोई और होगा ठीक है तो सेम इज यही कहा कि एक लोकल हैरार है हर किसी जगह ब्राह्मण टॉप पे नहीं है वहां का लोकल भी हो सकता है ठीक है

अकॉर्डिंग टू हिम इज द कोर ऑफ कास्ट इसने कहा कोर ऑफ द कास्ट क्या है हायरार्की डिवीजन में हायरार्की में डिवीजन है पहले टॉप फिर सेकंड फिर थर्ड और फिर बॉटम ठीक है इसने भी हायरार्की को लिया कास्ट हायरार्की लेकिन इसने क्या कहा इसने कहा कास्ट हायरार्की इज गाइडेड बाय टू हायरार्कीज जो कास्ट की हायरार्की होती है वो गाइड होती है दो चीजों से किससे वन गाइडेड बाय द रिचुअल्स आपके रिचुअल्स क्या है आप किस तरह से ड्रेस पैटर्न करते हो किस तरह से करते हो किस तरह से खाते हो जो आप करते हो ठीक है और दूसरा इसने कहा अदर दुलर ठीक है सेक्यूलर इसने कहा कि सेक्यूलर तरीके से भी कास्ट हायरार्की होती है यानी कास्ट के जो डिविजन होते हैं जो हम उनको हायरार्की में डिवाइड करते हैं टॉप सेकंड थर्ड और बॉटम वो दो चीजों पे होती है किस पे होती है वो किस पे होती है वो एक तो रिचुअल पे होती है और दूसरा इसने कहा वो सेक्यूलर टर्म्स पे होता है दोनों को समझते हैं चलिए आगे सेक्यूलर इसने क्या कहा देखिए सिक्युलर को इसने क्या कहा सेक्युलर को इसने कहा पावर वेल्थ और एजुकेशन आप को देखा जाता है पहले इसने कहा है कि आप जिनको हम टॉप पे रखते हैं उनके अंदर क्या देखते हैं उनके अंदर पावर देखते हैं इनके पास पावर कितना है इनके पास वेल्थ कितना है और इनके पास एजुकेशन कितनी है ठीक ये समझ में आया देन मोबिलिटी हैपन्स बाय द माइग्रेशन और इसने क्या कहा इन चीजों में मोबिलिटी आपकी चेंज हो सकती है किससे हो सकती है अगर आप माइग्रेशन करोगे किसी दूसरे एरिया में ठीक है किसी दूसरे एरिया में जाओगे तो आप वहां अपनी माइग्रेशन चेंज कर सकते हो अगर आप बॉटम पे हैं आप में चेंज हो सकती है आप टॉप पे आ सकते हो अगर आप माइग्रेशन करोगे और दूसरा पॉइंट अगर आपके पास लैंड होगी अगर आप लैंड खरीद रहे हो तो इसका मतलब क्या है आपकी कास्ट हर आर की चेंज हो सकती है आप बॉटम से टॉप पे आ सकते हो अगर आपकी ओनरशिप आप ज़मीन खरीदते हो आपकी ओनरशिप क्या है लैंड पे पॉइंट नंबर थर्ड इसने कहा गवर्नमेंट जॉब अगर आपको जॉब लगेगी तो इसने तीन चीज़ों को कहा सेक्यूलर तरीके से आप आर आर में चेंज हो सकते हो कि आप बॉटम से टॉप पे आ सकते हो पॉइंट नंबर वन इसने क्या कहा आप माइग्रेशन करोगे किसी एरिया में ठीक है और ओनरशिप ऑफ लैंड आपके पास जमीन या जमीन खरीदोगे उस पर उसकी आपकी ओनरशिप बनेगी तीसरा आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा शूद्र को किसी को गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो वो टॉप पे आ सकता है ठीक है समझ आई बात और रिचुअल हायर लीड्स टू चेंज और इसने कहा दूसरे तरीके से भी आप कास्ट हायर आर् में चेंज कर सकते हो खुद को कास्ट हायर आर्की में आ सकते हो किससे अगर आप अपना ड्रेस पैटर्न चेंज करोगे ईटिंग के रूल्स चेंज करोगे और मैरिज जो एंडी मैरिज आपने मैंने कहा था आप एक्सोगेमस मैरिज में जाओगे कास्ट मैरिज आउटसाइड द कास्ट तो इसने क्या कहा दो चीजों पर हायर आर् होती है लोगों को दो चीजों पर कास्ट में डिवाइड किया जाता है एक सेक्युलर और दूसरा रिचुअल की ठीक है और सिक्यूलर दोनों मैंने आपको बताया और इसने कहा कास्ट में चेंज भी हो सकती है आपका कास्ट जो है वो चेंज हो सकता है आपकी हरार चेंज हो सकती है अगर आप क्या है? अगर आपके पास क्या होगा आप माइग्रेशन करोगे आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी या आप जमीन खरीदोगे आपके पास जमीन होगी या आप फूड हैबिट चेंज करोगे ईटिंग के चेंज करोगे मैरिज चेंज करोगे आप आउटसाइड द कास्ट चेंज करोगे तो इसका मतलब आपकी हरार टॉप से डाउन से टॉप पे भी आ सकती है ठीक है समझ में आया तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है श्रीनिवासन ने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं है उसमें चेंजेस होती है। जो सर किसने कहा था ने कहा था कि कास्ट में चेंज नहीं होती है दो पॉइंट्स पे इसने उसको क्या किया है दो पॉइंट पे इसने उसको क्रिटिसिज्म किया है यानी उनकी बातों को नहीं माना है एक तो इसने कहा कि कास्ट रूटेड लोकल कास्ट लोकल हैर हर किसी गांव में हर किसी एरिया में अपनी अपनी हैर हर किसी जगह ब्राह्मण टॉप पे नहीं होता है और दूसरा इसने कहा हाँ चेंज होती है हेर में किस बेसिस पे रिचुअल एंड सिक्युलर बेसिस पे ठीक है इन पे आपकी चेंज हो सकती है कास्ट में चेंज हो सकती है देन उसके बाद इसने क्या कहा

आप में चेंजेस की कास्ट में आपकी चेंज हो सकती है किसने कहा मेन सीरवासन ने आप क्या शूद्र से ब्राह्मण भी बन सकते हो उसके लिए इसने दो चीजें कहीं क्या क्या कहा रिचुअल हैरार और आप में क्या होनी चाहिए सिक्युलर थ्रू सेक्युलर यानी कि सिक्युलर मोबिलिटी आप में हो सकती है कहा कहा? कहा क्या क्या नहीं है आप चेंज कर सकते हो द बाई जो आपको बताया गया है जो आपको ने ने कहा and social researchers कहा जिन्होंने सोशल साइंस में रिसर्च किया कास्ट कि नहीं कास्ट रिजेड सिस्टम नहीं है जैसे सर क्या इसने कोई एग्जाम्पल दी है इसने कोई स्टडी किया आपने कहा था एम्पेरिकली इसने दिया था यस चलिए वो मैं आपको बताता हूँ इसने गेव एग्जाम्पल दिए काश्यत काश्यत एक ट्राइब काश्यत एक एरिया है जो बंगाल में है जो इसने कहा ड्यूरिंग द मेडिवल जब ये था मुगल का टाइम था जब मुगल पीर, मुगल टाइम था इन्होंने क्या किया स्टार्टेड कम क्लोज टू रूलिंग लीड जो काशा थे मुगल टाइम में इन्होंने क्या किया जो काशा थे ये सबसे लोवेस्ट क्लास था उस टाइम बंगाल में तो इन्होंने क्या किया ये मुगल्स के साथ साथ चलने लगे ठीक है इनके साथ कम क्लोजर टू द रूलिंग लीडर्स जो उस वक्त रूल कर रहे थे उनके साथ आए उनके साथ चल रहे थे

तो उसके बाद इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है डोमिनेंट कास्ट का ये याद रखना ठीक है डोमिनेंट कास्ट इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जो बुक है इसकी सोशल सिस्टम ऑफ माइसोर विलेज इसने माइसोर विलेज में स्टडी की थी ठीक है वहां इसने एक कंसेप्ट दिया है जिसका नाम इसने डोमिनेंट कास्ट रखा है तो एम एन श्रीनिवासन इन ए लिटरेचर ठीक है पेपर इसने एक लिखा था इसका नाम जो पेपर लिखा है उसका नाम ही इसने रखा था द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुर रामपुर में इसने स्टडी की है एम्पेरिकल वहां जाके वहां रह के इसने स्टडी की है और एक कंसेप्ट दिया डोमिनेंट कास्ट में और उस उसपे एक पेपर लिखा था जिसका नाम इसने रखा था फिर पेपर का ही नाम इसने रखा था द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुर ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं डोमिनेंट कास्ट को समझते हैं डोमिनेंट कास्ट को क्या कहते हैं एम एन श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट क्या होता है याद रखना अगर डोमिनेंट कास्ट आएगा किसने दिया है तो एम एन श्रेनवास ने दिया है डोमिनेंट कास्ट को ये क्या कहता है ये क्या होता है कास्ट तो कास्ट ये caste है एक आर अकॉर्डेड हायर स्टेटस इनके पास हायर स्टेटस होता है क्या होता है हायर स्टेटस वील्डिंग इकोनॉमिकली आर पोलिटिकली पावर एंड ऑक्यूपाइज फोर्मली हाई पोजिशन इन दायर आर मैंने इससे पहले आपको कहा था एम एन श्रीनिवासन ने कास्ट को कैसे देखा इसने डायमेंशनली देखा इसने पावर भी देखा इसने स्टेटस भी देखा कास्ट के साथ साथ इसने कहा उनके पास पावर होता है स्टेटस होता है इकोनॉमी होती है ठीक है <laughs> तो वही इसने कहा डोमिनेंट कास्ट कौन होता है इसने कहा डोमिनेंट कास्ट अकॉर्डिंग जिनके पास हाई स्टेटस होता है इकोनॉमी यानी इकोनॉमिकली भी वो पैसा भी उनके पास बहुत ज़्यादा होता है पोलिटिकल पावर भी होता है यानी कि वो पोलिटिकल सिस्टम में होते हैं यानी जो रूलिंग एलिट्स होते हैं उनमें होते हैं ऑक्यूपाइज फियरली हाई पोजिशन और उन वो ऑक्यूपाई करते हैं उनके पास एक एक क्या होता है हाई पोजिशन इन दैरार की जो हैरार की हम रखते हैं ब्रह्म तो वो टॉप पे रहते हैं ठीक है थीके? उसी को ये क्या कहता है डोमिनेंट कास्ट ठीक है अच्छा अब आप बोलोगे सर क्या डोमिनेंट कास्ट प्रेमन होता है नहीं मैंने पहले ही बताया इसने कहा नहीं हर किसी जगह लोकल होती है किसी एरिया में कास्ट किसी कास्ट हो सकता है ठीक है, है? को क्या होता है पोजिशन जो होती है वो हाई लेवल पे होती है ठीक है अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखने है? आपको अदर कास्ट लुक अप टू देम क्या देखते हैं एज ए रेफरेंस ग्रुप जो डोमिनेंट कास्ट होता है उसको बाकी जो सोसाइटी के ग्रुप होते हैं वो रेफरेंस ग्रुप होते हैं देखो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है रेफरेंस ग्रुप होता है मतलब कि आपकी सोसाइटी में कोई ग्रुप है एग्जाम्पल कोई कास्ट है ग्रुप है वो बहुत लोग वो सभी एजुकेटेड है वो ग्रुप तो वो ग्रुप क्या है वो डोमिनेट है उनका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है आपकी सोसाइटी में तो बाकी सोसाइटी में जो आपके ग्रुप्स हैं किसी और कास्ट किसी और नाम के ग्रुप से वो क्या करते हैं वो इनको इमिटेट करते हैं जैसे आपको घर में बताया जाए कि फलानी को देखो फलानी मीन्स ही रेफरेंस फॉर यू समझ आई बात तो इसी तरह से सोसाइटी में भी किया जाता है सोसाइटी में ग्रुप्स को रेफरेंस किया जाता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को देख के क्या करता है उन चीजों को इमिटेट करता है कि हम भी ये चीजें करेंगे ठीक है जैसे आप केस ऑफिसर को देखते हैं आई एस ऑफिसर को देखते हैं किसी प्रोफेसर को देखते हो अपनी सोसाइटी में किसी डॉक्टर को देखते हो तो आपको बोला जाता है या घर वाले कभी आपको बोलते हैं फलानी को देखो सो मीनस ही इज रेफरेंस फॉर यू ठीक है ठीक है तो सेम इज द केस रेफरेंस ग्रुप होते हैं सोसाइटी में जो ये डोमिनेंट ग्रुप होते हैं ये रेफरेंस बनते हैं बाकी लोगों के लिए बाकी जो ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में ठीक है जो बाकी ग्रुप्स होते थे जैसे राजपूत से हैं या कोई जाट है तो वो उनको रेफरेंस करते थे वो इनको फिर इमिटेट करते थे इन ही डोमिनेंट ग्रुप को वो इमिटेट करते थे इमिटेट मतलब नकल करते थे इनकी चीजों को जो ये करते थे वो भी वही करते थे ताकि ये भी क्या बने डोमिनेंट ग्रुप एंड टू ये क्या करते थे इमिटेट करते हैं इनको दियर उनके रिचुअल पैटर्न को उनके कस्टमर्स को उनके ट्रेडिशन को उनकी आइडियोलॉजी को जो भी वो करते हैं जो भी कस्टमर्स वो करते हैं जो भी वो रिचुअल्स करते हैं जो भी वो जो भी वो कस्टमर्स कल्चर जो भी उनका कल्चर है उसको क्या करते हैं इमिटेट करते हैं नकल करते हैं उसको ठीक है फीचर्स ऑफ डोमिनेंट ग्रुप याद रखना फीचर्स ऑफ डोमिनेंट ग्रुप याद रखना फीचर्स ऑफ डोमिनेंट ग्रुप बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन आ सकता है जब जहां तक मुझे लगता है ये आ जाता है ये नेट में भी कभी कभी आता है ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में सेट में नेट में या एंट्रेंस में ये आता है फीचर्स ऑफ डोमिनेंट ग्रुप क्या कहा है एम श्रीनिवास ने पहला फीचर नंबर वन डोमिनेंट ग्रुप के क्या फीचर होते हैं वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल फैक्टर उनके पास इकोनॉमी बहुत ज्यादा होती है पोलिटिकल पावर भी होता है न्यूमेरिकल स्ट्रेंग उनकी होती है यानी कि वो बहुत ज्यादा होते हैं ई हाँ प्लेस इन द लोकल हायर की जो वहां गाँव की जो हायर की होती है उसमें क्या होते हैं टॉप पे होते हैं ठीक है और एजुकेशन उसके पास क्या होती है इकोनॉमिकलिकल हाई होते हैं हायरहार है में और एजुकेशन उनके पास होती है ये भूल मत जाना है ये याद रखना तो फाइनली मैंने नोट में क्या लिखा है इट इज नॉट ऑनली ब्रह्मन ये ब्रह्मन नहीं होते हैं हमेशा टॉप पे वीच डोमिनेट द ग्रुप जो डोमिनेंट ग्रुप होता है इट मे बी द अदर फ्यूचर इट मे एनी होम ये कोई भी हो सकता है जिसके पास क्या फीचर्स होंगे जिसके पास ये फीचर्स होंगे। ये होंगे, किसने कहा? ने कहा, ने ओके आया समझ में क्लियर हो गया उतना टफ नहीं है एम एन श्रीनिवासन का लेक्चर तो होप आपको समझ में आया होगा तो इस लेक्चर को इसी के साथ कंक्लूड करते हैं शुक्रिया थैंक्स तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को शेयर करते रहिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए उनके साथ फेयर उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल का फ़ायदा मिले और सबसे ज़रूरी चैनल को लाइक भी कीजिए कमेंट्स भी कीजिए ग्रुप में बताइए अगर किसी को कोई को इंक्वायरी है अगर कोई कोई किसी को कोई बात या कहीं पे कोई टॉपिक या कहीं पे कोई लाइन या स्लाइड समझ में नहीं आती है तो बिना डर के आप बोलिए मैं आपको समझा दूंगा मैं फिर क्वाइरीज़ का लेक्चर लूंगा वहाँ आपको समझा दूंगा ठीक है थैंक्स शुक्रिया थैंक्स टू ऑल ऑफ यू